Welcome back, the students of all NEET examination aspirants and AIIMS expression aspirants of AIIMS examination. Student, last unit में हमने आपसे बातें किए थे units and dimensions and the question based on the earlier examinations in previous years. और उनमें कुछ tricks पे भी हमने आपसे बातें किए थे कि how one can overcome the questions while solving the numericals in the unit-wise syllabus of physics. Is that clear? Similarly, हमने इस पे बायोलॉजी में भी इसमें बॉटनी और जूलॉजी में भी हमने इसमें यूट्यूब सीरीज बनाया है और केमिस्ट्री में भी हमने इसमें बनाया है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू अवर वेबसाइट्स एंड अवर यूट्यूब चैनल्स थ्रू लर्निंग फ्री एट सेनको एजुकेशन. इज इट नाउ लेट्स कम ऑन प्लीज. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और ना ही हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन देंगे. हमारा इंट्रोडक्शन और पोटेंशियलिटी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं. इज इट या सो नाउ यूनिट 3 वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन. हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जब भी आप कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यू आर गोइंग थ्रू द अप्रोच ऑफ द सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो सारी चीज़ें जो आपने स्टडी की होती हैं 11th और 12th में, दीज ऑल द थिंग्स जस्ट वी हैव टू रिकॉल एंड रिवाइज एट अ ग्लेंस. कब किस समय किस मोमेंट ऑफ द क्वेश्चन पर कौन सा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे सॉल्विंग के लिए, ये भी आपको सोचना होता है. इज इट ईयर. और ये भी एक स्किल है कि अगर पूरा फिजिक्स, अगर आपने पूरे साल फिजिक्स को स्टडी नहीं किया है, समझा नहीं है अच्छे से, तो ये मान लीजिए कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते और आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते. कोई मैजिक नहीं है कोई कि मैंने आपको स्टिक घुमाया और कमाल हो गया और आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लिए. इज इट ईयर. तो चलिए, विल नॉट वेस्ट द टाइम एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. यूनिट 3 मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन. तो इसमें हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड कैलकुलस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द डिफरेंट काइनेमेटिक्स इक्वेशंस एंड सम एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया था. इज इट हियर. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे तो हम लास्ट ट्रिक जो लास्ट यूनिट में हमने ट्रिक पे बात किया था वो था कि हर एक क्वेश्चन में इसकी कोई ना कोई एक थीम वर्ड होता है. तो वैसे यहां पर है कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस. ये तो आपने इसके पहले भी स्टडी किया है, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस. इट्स अ वेरी नॉट अ स्ट्रेंजर वर्ड. इट इज, ये आप कई बार देख चुके हैं. इज इट हियर. अगर कोई इसमें कीवर्ड है तो वो ये है, रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विद स्पीड एवरेज. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो कीवर्ड ऑफ द प्रॉब्लम है. सो एवरेज स्पीड यू जस्ट हैव टू रिकॉल दैट हियर. तो एवरेज स्पीड आपने स्टडी किया है 11th क्लास में. इज इट हियर. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जस्ट रिकॉल दैट हियर. तो एवरेज स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बार और हियर यू विल राइट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. इफ हियर यू विल टेक डिस्टेंस देन हियर इट विल बी स्पीड एंड हियर इट यू विल टेक हियर डिस्प्लेसमेंट देन हियर इट विल बी वेलोसिटी. इज इट नॉट. सो पार्टिकल कवर हाफ इट जर्नी डिस्टेंस. तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स का मोशन में, तो सिचुएशन को मैप करिए कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन हैपन. मतलब प्रॉब्लम की आप एक पिक्चर तैयार करिए अपने सामने. तो हाफ डिस्टेंस एक डिस्टेंस है यहाँ पर. सो वी हैव ड्रॉन हियर अ डिस्टेंस. इज इट, वी हैव ड्रॉन हियर अ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस सीधा ही होता है, सभी को मालूम है. इज इट. नाउ हाफ इट पार्टिकल का बाद हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस मतलब ये हाफ हो गया. इज इट हियर. हाफ डिस्टेंस वी विल सपोज दिस एज एक्स बाई टू और रिमेनिंग डिस्टेंस इज व्हाट हियर एक्स बाय टू. इज इट. हाफ डिस्टेंस एंड द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस इज विद स्पीड वी. तो ये स्पीड ट्रेवल की हुई है वी वन और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वी टू से. इज इट हियर. इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी. तो ये तो पहले भी डिस्कस किया है आपने. तो टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है वो एक्स बाय टू है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी एक्स बाय टू. सो टेल मी प्लीज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस. द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सॉरी हियर इज व्हाट एक्स एंड टोटल टाइम. तो अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ टाइम कहाँ पर है आपका, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे. तो यहां से यहां तक लगने वाला टाइम दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, एक्स बाय टू एंड डिवाइडेड बाय वी वन और हियर इट इज ऑल्सो एक्स बाय टू एंड डिवाइडेड बाय वी टू. कैन वी सी दैट ऑर नॉट. After solving this, you can obtain the right answer for that year. वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही poor level का question है. Is it here? Very primitive type questions for this unit here. This कि हमने earlier इस तरह के questions direct formula approach से, इसका formula होता है 2V1V2
by V1 plus V2. Is it here? X, here X by 2, X by 2 throughout will be taken common. Yeah, fir hum isko, here you will write X by 2 or in the bracket V1 plus V2. You will write down here that. Is it? आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. अगर आपको वहां से इस स्क्रीन बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट. लुक दैट इट्स व्हाट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू. हियर इट इज टोटल डिस्टेंस. हियर यू विल राइट टोटल डिस्टेंस और एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय वी टू. यू कैन सी दैट हियर. व्हाट इज कॉमन इन दैम? You will see that throughout x by 2 is common and here we'll leave v1 plus v2 and this will solve a mathematical problem. Obviously this 2 will go as a, here it will be 1 by or here it will be 1 by. Is it? That is upon denominator. This 2 will go as a numerator or x, x will cancel. Here it will be 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. Is it or not? आप प्रेडिक्शन कर दीजिए. आप इसे द न्यूमरेटर विल बी सॉल्व्ड एज दिस, वी टू विल गो एज अ दिस और दिस वी वन विल गो एज इट हियर और हियर इट विल बी वी वन प्लस वी टू. इज इट अ नॉट? और दिस होल डिनोमिनेटर विल ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर. इट्स विल बी वी वन एंड वी टू होल डिवाइडेड बाय वी वन बाय वी टू. सो दस आई टोल्ड यू, इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि यही फॉर्मूला आएगा वी वन प्लस वी टू एज ए प्रोडक्ट. तो आप याद कैसे रखेंगे? ये बड़ा एक फेमस फॉर्मूला है, आपको याद होगा. इलेवेंथ ट्वेल्थ फिजिक्स में आपने स्टडी किया था, टेंथ में भी स्टडी किया था. टू टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन सम कॉन्सेप्ट था, आर वन एंड आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट एंड सम. दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट और सम का डिवीजन. और कैपेसिटर में भी ट्वेल्थ में स्टडी किया आपने, सी वन बाय सी टू एंड सी वन प्लस सी टू. दिस इज फॉर द कैपेसिटर्स, राइट ना? और इसके पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें आपने इनमें डिस्कशन किया है. इज इट ना? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. सो व्हाट द राइट आंसर फॉर दिस ईयर? Your right answer is what? 2V1 and V2 divided by, so C is the right answer. तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड जो नीट की फिजिक्स होती है बहुत ईजी होती है, बट स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट क्यों लगती है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट बायोलॉजी, स्पेशली इन 11th क्लास दे जस्ट हैव द वीक मैथमेटिक्स सेक्शन, दैट्स वाई दे आर टेकिंग द बायोलॉजी. तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फिजिक्स डिफिकल्ट होती है, तो उनके लिए एक रेमेडीज है, एक तरीका है जिससे अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और वो है रेगुलर ऑफलाइन या कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर द टू इयर्स और वन ईयर, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती. इज इट? नाउ कम ऑन प्लीज, द क्वेश्चन नंबर टू. अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड. थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड दैट. हियर सेम वो सिचुएशन है, इज इट हियर? इन अर्लियर क्वेश्चन, इसके पहले जिन क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे आपसे, इज इट हियर? और वो क्वेश्चन क्या था हमारा? कि ये डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू, ए डिस्टेंस है ए से बी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इज इट हियर? वॉज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दैट हाफ डिस्टेंस सपोज वी हैव सपोज दैट सी, हमने हाफ डिस्टेंस ए सी सपोज कर लिया, इज इट हियर? बस यहां पर क्या कर रहा है, मूव फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अब पूरा यहां से x टू y गया, मतलब कितना डिस्टेंस चला उसने, ऑब्वियसली x. नाउ v u स्पीड और v d स्पीड का इस्तेमाल किस लिए किया उसने? वापस आने के लिए किया v d स्पीड. इज इट हियर? तो सेम हैपेंस हियर, v u स्पीड इज यूज फॉर ट्रेवलिंग x डिस्टेंस एंड v d स्पीड इज यूज्ड बीइंग यूज्ड टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी टू ए, मतलब वी यू और वी डी दोनों स्पीड का इस्तेमाल इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हो रहा है. गोइंग टाइम्स इज इट हियर और कमिंग टाइम्स? सो वी आर टू फाइंड द सेम फॉर्मूला विल बी लॉन्च हियर दैट. द फॉर्मूला क्या था इसके पहले? टू वी वन वी टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन सम. तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन सम, वट इज द राइट आंसर फॉर दैट? हियर यू कैन प्रेडिक्ट हियर द राइट आंसर फॉर दैट इज डी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय. अगर ये समझ नहीं आया कैसे, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन पर वापस जाइए. इज इट हियर? रिवर्स द वीडियो एंड यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ वी हैव सॉल्व्ड. गॉट इट? नाउ प्लीज कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन विच आर ऑफ द आइदर आइडेंटिकल्स, जो एक से क्वेश्चन होंगे हम उन्हें बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. अ कार रन्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड एट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 6.28 सेकेंड, 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप. द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड
ऑफ ईच सर्कुलर लैब रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए प्लीज। कार रन्स इन कॉन्स्टेंट स्पीड, पिक्चर सिचुएशन को ड्रॉ करिए, व्हाट द पिक्चर सेइंग, व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली सेइंग इन दैट ईयर, कि यहां पर एक कार कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये हो गया आपका सर्कुलर ट्रैक, इज इट, दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक। रेडियस इज व्हाट हियर 100, ये रेडियस 100, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। टेकिंग 62.8 सेकंड, मतलब एक लैपिंग में, वन लैपिंग मीन्स वन टर्न, इट्स टेकिंग व्हाट हियर 62.8 सेकंड, ये एक लैपिंग का टाइम फॉर एवरी सर्कुलर लैप। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, वेरी सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी फॉर्मूला इज व्हाट हियर, एवरेज वेलोसिटी, सो हियर इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर वी वेलोसिटी हुआ तो डी एस पी, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगर ये स्पीड हुआ, दिस इज कॉल्ड स्पीड, इज दैट क्लियर, अगर ये स्पीड हुआ तो ये आपका डिस्टेंस होगा। तो यू टेल प्लीज, व्हेन इट कंप्लीट वन सर्कल इन एट 62.8 सेकंड, एक कंप्लीट लूप कवर कर रहा है वो, इज इट हियर, तो इट स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पी टू बैक पी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, ऑब्वियसली हियर यू विल पुट जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम 62 पॉइंट समथिंग, तो जीरो अपॉन समथिंग इज ऑब्वियसली जीरो, तो एवरेज स्पीड विल बी हियर जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी जीरो, एवरेज वेलोसिटी, तो फर्स्ट इज आस्किंग एवरेज वेलोसिटी, तो ये वाला ऑप्शन फेल हो गया आपका, ये ऑप्शन यस पास्ट बट द सेकेंड ये जीरो, तो ऑब्वियसली जब उसने एक राउंड कंप्लीट किया तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ है उसका, तो फाइनली ए और बी आंसर गॉट फेल्ड हियर, तो ऑब्वियसली 10-10 और ये दोनों भी नहीं हो सकते, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट आंसर। तो कभी कभी क्या होता है, हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते सेकेंड पोर्शन ऑफ दैट ईयर, और वी कैन प्रेडिक्ट द आंसर 100% ट्रूली, दैट इज इट, तो इस तरह से आप सी आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ कम ऑन प्लीज, द क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत ही इजी होंगे उन क्वेश्चन को, हम डिस्कशन बार बार आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जिनकी आपको जरूरत है, तो ये क्वेश्चन भी उसी बेस्ट पर है, यू विल ट्राई फॉर दैट ईयर। हमारे ऑफलाइन और प्रिंटेड मटेरियल से आप वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे जा करके आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, इत्मीनान से जब चाहे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इज इट हियर। नाउ लेट्स कम ऑन प्लीज, दिस क्वेश्चन सेम ट्रेवलिंग फर्स्ट एंड वन थर्ड सेम बेस्ड ऑन दैट ईयर, ये क्वेश्चन रिपीटेशन पे, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आए, एक एक टॉपिक पे 5-5, 10-10 क्वेश्चन हमने डील किया है, तो ये क्वेश्चन स्टडी करके आप विद इन लेस टाइम आपकी नीट फिजिक्स को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लुक दैट हियर, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंट, ये पोजीशन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पोजीशन इज इट हियर, तो एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए प्लीज, व्हाट इज दिस सेइंग दैट टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम्स, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सेम टाइम्स, इज इट, दैट इज दिस, हम इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, इज इट हियर, ये पिक्चर हमने ड्रॉ किया, इट्स पी और इट्स ए क्यू, सो कार स्टार्टिंग फ्रॉम पी और अनदर कार स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रेस्पेक्टिवली, इसकी पोजिशन ये है और इसकी पोजिशन ये, पोजिशन अब थोड़ा ये क्वेश्चन मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है, वर्ड पोजिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब पोजिशन इज रिप्रेजेंटेड इसका टाइम फंक्शन, और ये पी फॉर किसके लिए, पी ऑब्जेक्ट के लिए, पी मटेरियल के सॉरी पी बॉडी के लिए, ये इट्स व्हाट विल हियर ए टी, और हियर इट इज बी और टी स्क्वायर, हम इसको ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदलेगी, और चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज इट हियर, और वेलर चेंज पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हाउ इट्स में चेंजिंग और एवरी सेकेंड इट विल चेंज इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये पोजिशन का फॉर्मूला है, इज इट हियर, क्वेश्चन इज व्हाट बीइंग आस्क्ड हियर, एट व्हाट टाइम डू दे हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर वेलोसिटी उनकी सेम होगी, तो थ्री क्वांटिटीज आर, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी और टाइम, किस टाइम पर उनकी वेलोसिटी सेम होगी, तो किस टाइम पर मतलब क्या उनका टाइम सेम होगा, यस सर ऑफ कोर्स देयर टाइम वुड बी सेम हियर दैट, सो पोजीशन दे हैव बीन गिवन हियर द पोजीशन, तो टाइम सेम हमें फाइंड करना है, किस पे वेलोसिटी इनकी सेम होगी, तो ये पोजीशन का फंक्शन है, तो जब आपसे पूछा जाए कि पोजीशन का फंक्शन गिवन है आपको, पोजीशन की एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी सेम, ये इसका कीवर्ड,
velocity same. So word velocity same means this information, word information will convert velocity same. Means velocity of object P, velocity of body P is equal to velocity of body Q. And can you tell me velocity is what? Just go to the 11th class जब आपने first unit पढ़ी थी. Velocity मतलब एक second में, मतलब the derivative या differential coefficient of position या displacement function with respect to time is called. तो हम इसे कह सकते हैं dx by dt, this is for P, is equal to dx by dt for Q. So can you tell me what is the derivative of this? तो इसका derivative करिए. Time with respect to derivative क्या होगा इसका? Obviously पहले इसका derivative क्या होगा? Please tell me. Its derivative will be A. Is it? तो इसे थोड़ा सा हम explain कर रहे हैं यहाँ पर कि how just we can do that here. कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं derivative को. Right now have a look this place. I'm talking about this. Just come on please. Derivative. So what the derivative for that? Yes, have a look at that question. So since velocity of P is equal to velocity of Q, so derivative means dy by dt, and what is the function? The position function here is at n plus bt square is equal to dy by dt, and what next is here? Ft minus, what is there? T square. So do you know the derivative? अगर कोई स्टूडेंट यहां पर डेरिवेटिव नहीं जानता है तो यू नीड टू स्टडी इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स. विदाउट दिस यू कैन नॉट गो थ्रू दिस ईयर. और यही सच है. इज इट क्लियर? और व्हाट इज दैट ईयर? इट्स ए. डेरिवेटिव ऑफ टी इज दैट मींस इसकी पावर 1 है तो इट विल रिड्यूस 1, दैट्स व्हाट ईयर. और इट्स विल बी, और इसकी पावर होगी 2t इज इक्वल टू, हियर इट्स ऑल f ओनली बिकॉज़ इट्स गॉट 1 हियर, और ये कितना जाएगा? 2t. Now, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी सेम. सो यू आर टू फाइंड आउट टाइम हियर. आपको क्या फाइंड करने का? रेट करिए एट व्हाट टाइम इज सेइंग दैट हियर. किस टाइम पर? मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो स्टार्ट फाइंडिंग दैट हियर टी. तो ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी. सो इट इज द टर्म ऑफ टी, इट इज द टर्म ऑफ टी. सो टी टी टर्म टू बी टेकन वन साइड, हियर इट इज दिस 2t एंड हियर इट विल बी एफ माइनस ए. So TT is common, it's a twice B and plus 2, or here it will be F minus A. Can you tell me what the value of T is coming here? That carry value is ki bataye please. 2B and plus 2. So what the right answer for that here? F minus A divided by 2B plus 2. So can you see what the right answer is coming in that here? Ab student kehega sir ye answer to match hi nahi kar raha. Don't worry. You can solve for the 2, 2 you can take common here that f minus b. लेकिन इतना time आपको exam में spend नहीं करना है. But the right answer for that here, D is the right answer. ये question जरूर लिखा है यहाँ पर 2016, but this question also have been asked in 2019 में भी ये question पूछा गया था. Is that clear? तो आपने यहाँ समझा, सीखा कि how the questions can be solved here that year. तो right answer is that here D. Now look the question again here. इसी base पर फिर से एक question है यहाँ पर. Is it here? You can just see that here. So what is the keyword here? The derivatives of the position यहाँ पर keyword है. क्या आपको वाकई derivative आता है? If it's this, then the question is very easy. Velocity of particle is v is equal to at. तो velocity function given है. That is depending on the time. A where a and b are constant, then distance traveled by the body. Exactly. अब यहाँ पर आप देखेंगे distance is being formed here. तो since velocity is what here? d by dt of t, ये xt. मतलब पोजीशन का जो, अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगी. तो लाइक दैट हियर की प्लस, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्लस? माइनस. मल्टीप्लाई, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई? टेल प्लीज. डिवीजन. तो वैसे ही डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है? मतलब वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन. तो व्हाट दैट पोजीशन ऑफ द डेरिवेटिव? मतलब वेलोसिटी पोजीशन का डेरिवेटिव है. तो पोजीशन वेलोसिटी का क्या है? तो अब आप सोच रहेंगे कि व्हाट इज द अपोजिट फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव? इसका जवाब है इंटीग्रल. तो देयरफॉर एक्स इज द, व्हाट हियर दिस वेलोसिटी dy dt इज इक्वल टू हियर विल व्हाट? dx. मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का इंटीग्रल पोजीशन होगा, चेंज इन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वी कैन स्पीक हियर.
सो वेयर एन बी आर कॉन्स्टेंट इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वी आर टू फाइंड वन एंड टू सेकेंड में, मतलब वन और टू सेकेंड के बीच में बताना है चेंज इन पोजिशन को. इज इट हियर? तो यू विल जस्ट लुक हियर दैट, तो व्हाट द वेलोसिटी हियर, वन और टू सेकेंड. सो यू विल सी दैट वेलोसिटी इज व्हाट, सो वेलोसिटी इज ए टी एंड प्लस बी, हियर इट इज टी स्क्वेयर, और व्हाट द नेक्स्ट इज डी टी, और हियर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजिशन, वन और टू, हियर डी एक्स, गॉट इट? So integral of dx is x, that is called 1 and 2. Here it's called position 2 or it's called position 1. So change in position is called displacement. And here integral of that here, abhi aapne derivative seekha tha. So integral kaise hota hai? So derivative mein power decrease hogi, integral mein power increase hogi. It is this here. Or here it will be t to the power 3 divided by 3. Now proceed it ahead. So here it will be 1 by a by 2. Or it will be what here? T square divided by, nothing else is there, T square. Or power is what we have taken, 1 and 2. Here 1 and 2. Sorry. 1 and 2. And plus, what next is? Again, B by 3. And here power 1 and 2. Sorry. It's 1 and it's 2. Is equal to x2. So, ye jo change in position, yehi displacement hai. So, aap calculate kar lijiye ise please. So in place of t you will put 2, so square of the 2 will what here, a divided by 2, the square of the 2 will here 4 and 1 plus b divided by 3 and square of 2 will be here the second, no sorry not a square, it is cube, kya sorry guys, cube is there, okay, iski power yahan par 3 hai aur ye 2 hai actually, wait and please, it is 3 or here it is 2 and 1. So in place of that you will write 2 to the power, and then in place of what you will write, actually ये ऐसा होता है, अगर आप calculus में देखेंगे तो इसका bracket ऐसा use करते हैं अपन, is it or not, that is the limit lower or it is called upper limit. So 2 to the power, here it will be 8 minus 1, 8 minus 1, so it will be 7 by 3b or it will be what, 3 by 2. So your answer is what here, here 3 a by 2 and plus what next is 7b by 3. Can we simplify this further expression here, that what is the right answer for that here? You will see that the best match answering is what, the a is the right answer, a aapka sahi jawab hai. To fir aapne yahan par dekha ki solving questions numericals in kinematics is fully based on your calculus, right? Now to agar calculus taiyar nahi aaya to you can just don't worry about it here, is session mein examination dijiye, uske baad fir aap itminan se throughout the year aap हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स या किसी के भी रेगुलर प्रोग्राम्स के थ्रू बेसिक और फंडामेंटल को क्लियर करिए. डोंट वरी, सक्सेस डज नॉट कम इन अ मोमेंट, एक पल में नहीं आती है, किस्मत हो या तुक्का हो सकता है, बट इट्स नॉट हियर, इट्स ट्रूली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिस इज. नाउ कम ऑन प्लीज, द क्वेश्चन नंबर सेम हियर इज इन 9 भी उसी बेस पर ही है, सेम उसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑन दैट, सेम पैटर्न इज दैट हियर. Displacement given, moving dimension acting on the force by this, the displacement of the particle when velocity is zero. So here it is the displacement. So ab aap dekhenge time function given hai aapko. So what you will do for the time function here, this. So obviously here it is time t is equal to under the root, it is this here. So position, ye hai position. So obviously this t will be transferred to the left hand side, is this here x. So isse aap simplify nahi kar sakte, t minus 3 you will take, here it will become square. Now the position came here that x is equal to, this is the function of time. Ye function of time ban gaya hai. Is it here? The function of time is that here. The displacement of the particle when its velocity. So, sabse pehle aap iski velocity ko lekar ke aayenge. Is it here? So, how can we find out the velocity? So, go through the velocity. Ya yahan par bhi aap ye kaam kar sakte the. Is it here? Velocity is zero. The same question is being said here. The displacement of the particle when its velocity zero. So, sabse pehle aap velocity zero karenge. Matlab, dx by dt is zero. So, where is dx by dt? So, sabse pehle aap dx by dt banayenge aap ise. तो dx by dt कैसे कर सकते हैं, चलिए करिए इसे dx by dt, dx by dt और इट्स विल बी 2 टाइम्स t माइनस 3 और अगेन हियर इट विल बी माइनस ऑफ सॉरी इट्स विल बी 1. अब आप सोच रहे होंगे कि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, तो फिर से वही कहानी अटक गई यहाँ पर, इज इट? तो इट्स टू बी टेकन 0, तो जब आप इसे 0 कर देंगे तो t माइनस 3 here it is, it will be 0. This 2 will go in numerator, 1 will go as a numerator. So t is equal to what will come here, please tell me. So t is equal to 3 here it will come. So wo time jabki velocity 0 hogi wo 3 second hai.
तो इज नॉट आस्किंग द टाइम, इज आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, यू कैन सी दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट फंक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब टाइम कितना होगा 3 सेकेंड, तो ऑब्वियसली यू कैन पुट हियर द 3. सो 3 - 3 विल बी व्हाट हियर 0, 0 स्क्वायर ऑफ द 0 विल व्हाट हियर 0. तो इसका सही जवाब क्या है प्लीज टेल मी, 0 इज द राइट आंसर फॉर दैट हियर. तो इस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दैट हियर. इज क्लियर गाइस हियर राइट नाउ? नाउ लेट्स कम ऑन प्लीज. ओके कैमरामैन प्लीज कम ऑन द स्टेज हियर दैट. इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं यहाँ पर, यू विल सी दैट पार्टिकल. सो हियर द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर विल नीड हियर दिस. ओके गाइस, तो इसी तरह से हमसे जुड़ी रही है. इसके अगले एपिसोड में हम आपसे बातें करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पर और यूनिट 4 पर, यूनिट दैट इज कॉल्ड मोशंस ऑफ पार्टिकल और बॉडी इन द 2 डायमेंशंस. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. जय हिंद.